नमस्कार दोस्तों, आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। एंड आज हम इसमें शुरू करेंगे हमारा ज्योग्राफी इंडिया थ्रू मैप्स, और इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ ही कवर करने की कोशिश करेंगे। द टॉपिक्स विच विल वी विल कवर इन दिस विल बी, ये देखिए, जैसे कि ट्राइब्स, ठीक है, मैप वाइज होगा, एक मैप में एक ही टॉपिक रहेगा। ट्राइब्स का एक है, देन ड्रामा, देन पपेट्स, देन डांसेस ऑफ इंडिया, देन फिजिकल, फिजिकल में स्टेट्स के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, नॉर्थ, देन वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, लाइक दैट। देन बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, देन फेस्टिवल्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, म्यूजिक एंड द पेंटिंग्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंटेन्स, देन पीक्स एंड द पासेस, देन द प्लेट्यूज, देन प्लेन्स ऑफ इंडिया, देन वाटरफॉल्स, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, देन लेक्स एंड देन ग्लेशियर्स। तो ये हमारे 22 सेक्शंस रहेंगे, अराउंड 30-32 के आसपास हमारे मैप्स हैं, जिनमें से कुछ एक दो रिपीट पे हैं और कुछ रीजन जो हमारा फिजिकल का है उसकी वजह से उसमें 7-8 मैप्स हैं, अंडमान वगैरह सब मिला के। तो उसको देखते हुए हम सारे के सारे एक साथ कवर करेंगे। एंड चलिए तो शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला मैप, देखिए ट्राइब्स। इसमें ट्रिक्स के हिसाब से हम देखते हुए चलेंगे और ट्राइब्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं और स्टेट रीजन्स के हिसाब से हम इनको सारा को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए जे एन के में हमारे पास है लोसाई ट्राइब, तो ये ध्यान रखना लोसाई, ठीक है। और यहाँ पे हिमाचल में अगर जाएंगे तो हिमाचल में ध्यान रखना एक गुजर रहता था, गुजर को गाड़ी मिली और वो बहुत खुश हो गया, तो गुजर गाड़ी बहुत, ठीक है, गुजर गाड़ी बहुत, ये है हिमाचल की। पंजाब में आए तो गुजर का दोस्त था वैन गुजर, तो गुजर और वैन गुजर ये हिमाचल है, पंजाब बहुत है तो बहुतिया, ठीक है, यहाँ पे गुजर था तो वैन गुजर बहुत बहुतिया। बहुतिया हमारा कहाँ है, उत्तराखंड में, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर ये जो रीजन मैंने मार्क कर रखा है इसमें पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और आपका जे एंड के का, देखिए ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये जो गोल 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 है ना, ये सारा का सारा, तो ये जो रीजन है इसमें सारे के सारे हमारे जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं वो है बकरवाल और लापचा। लापचा आपके हिमाचल और लद्दाख में मिलती है, लापचा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम आते हैं नेपाल। नेपाल में हमारे पास आती है मधेशी ट्राइब्स, मधेशी एवरीबडी नोज, ये न्यूज में रहती है, मधेशी और थारू। यूपी के लोग बड़े खास होते हैं, तो खास खास ट्राइब है यूपी की। उसके बाद अगर हम इधर आए तो हमारे पास है यहाँ पे सहरिया, सहरिया है आपकी राजस्थान में, ठीक है, यहाँ है हमारे पास। अब सहरिया ये देखिए यहाँ भी है, इस वाले राजस्थान के कोने में भी, मतलब यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है। आगरा है, आगरा से अगरिया, शहरिया अगरिया, शहरिया शहरिया, यहाँ पे अगरिया, तो ये हमारे राजस्थान की हो गई। फिर हमारे पास वैन गुजर, हमारे पास पंजाब में था तो वैन गुजर एक गुजरात में भी है। फिर गुजरात में रथवा ट्राइब्स है, तो गुजरात की ये दो मेन ट्राइब्स हैं, ये ध्यान रखनी है। फिर भील्स हैं, भील्स आपके राजस्थान, गुजरात ये भील है, BHIL, तो भील गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स में मिलती है। अब हम देखें एमपी की ट्राइब्स, एमपी की बहुत सारी हैं, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, तो खोल, बायडा, मुरिया, गोंड, तो खोल, बायड़ा, मुरिया, गोंड, ये हमारी चार इंपॉर्टेंट ट्राइब्स आपको ध्यान रखनी है एमपी की। और एक कुरुक, KORKU, कुरकू, कुरकू ट्राइब्स भी हमारी एमपी की है, ओके। देन उसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देखो एमपी, अपने गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, यहाँ पे बंजारा ट्राइब्स भी मिलती है, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में है वरली, वरली है ना मुंबई में वरली, तो वरली, वरली है महाराष्ट्र में। ऐसे ही उरली, ये देखिए यहाँ पे उरली है केरला में, ठीक है, ऐसे याद रखना, वरली उरली, वरली उरली। अब हम आते हैं कर्नाटका, कर्नाटका में हमारे पास है हक्का पिक्की ट्राइब्स, ठीक है, और ये है खरिया ट्राइब्स। खरिया ट्राइब्स आपकी बिहार, एमपी, उड़ीसा और महाराष्ट्र, त्रिपुरा, असम, अंडमान निकोबार। अब ये हमारे पास हक्का पिक्की जो थी कर्नाटका की, उसके बाद आती है सोलिगा ट्राइब्स, कर्नाटका की सोलिगा ट्राइब्स, ये याद रख लेना। उसके बाद उरली थी, वरली उरली, तो उसके बाद केरला में हमारे पास और कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, अट्टापडी, और अट्टापडी के बाद मोलिया रूरल, रूलार, मोलिया रूलार और कन्नी, कन्नी ट्राइब्स,
कनी यहाँ पे है कनियन, कनियन है आपकी तमिलनाडु में। अब आ रहे हैं हम तमिलनाडु पे, कनियन ट्राइब्स होती है, इनकी आर्ट होती है कनियन कुत्थू आर्ट, ये स्ट्रीट आर्ट होती है कनियन ट्राइब्स की, कनियन कुत्थू। फिर सिद्धि ट्राइब्स, ये बड़े ही न्यूज में रहती हैं, इनको हफ्सी भी बोलते हैं और मकरानी भी बोलते हैं। ये आपकी मेनली मिलती है कर्नाटका, गुजरात, हैदराबाद, और ये अफ्रीकन डिसेंट की होती है, इसलिए दे आर वेरी फेमस। उसके बाद जो ये हमारा नीलगिरी का रीजन है, नीलगिरी वाले रीजन में है कनीकरन ट्राइब्स, बोडगास, कोटा, टोडा। ठीक है, कोटा में गया था, टोडा और बोडगा, इरुला, ये सारे ट्राइब्स आपके नीलगिरी रीजन में हैं, बदगास, इरुला, कोटा, टोडा और कनीकरन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार की सारी ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए। झारवार, झारवा, झारवार, ओंगीज, झारवा, झारवा, ओंगीज, सेंटिनलीज, सोम्पिन्स, ओंगीज, सोम्पिन्स, सेंटिनलीज एंड निग्रिटो, निग्रिटो ट्राइब्स। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेम्बर ऑल दिस ट्राइब्स। उसके बाद हमारे आंध्र प्रदेश में आते हैं यन्नाडी ट्राइब्स और लवदी ट्राइब्स। ठीक है, लंबाड़ा मेडक डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, ये है तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट में लंबाड़ा ट्राइब्स। उसके बाद ये जो रीजन आपको दिख रहा है इसमें आंध्रा कुछ तेलंगाना उड़ीसा एमपी छत्तीसगढ़ सॉरी, तो ये बॉर्डर का सा रीजन हो गया, तो यहाँ पे आपकी मिल रही है। लेकिन ट्राइब से क्वेश्चन आएगा तो जनरली हर रीजन से सवाल रहेंगे, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, तो उसमें आप इजीली कर सकते हैं। ये हमारे आते हैं क्योंकि ट्राइब्स ऐसा नहीं है कि फिक्स एक ही जगह मिलेंगे, एक्सेप्ट सम, तो थोड़ा सा चलेगा। बोंडा, यहाँ पे आपके पास बोंडा है आंध्रा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। फिर हमारे पास चेंच ट्राइब्स, ये है आपकी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। फिर यहाँ पे हमारे उड़ीसा में आते हैं जुआंग ट्राइब्स, जो कि बहुत न्यूज में रहती हैं बिकॉज ऑफ बैड रीजन, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, उसकी वजह से। कांदा ट्राइब्स, डोंगरिया ट्राइब्स, बोंडा ट्राइब्स, परजा ट्राइब्स, ये सारी की सारी आपकी उड़ीसा की है, बांडा, परजा, बोंडा, डोंगरिया, कांदा, जुआंग, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद हमारे आते हैं झारखंड की मुंडा ट्राइब्स, बिरसा मुंडा जिसके है ना, मुंडा ट्राइब्स। वेस्ट बंगाल का एक ट्रेडिशन है, म्यूजिकल ट्रेडिशन, बोल, जो कि 2005 में यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज बनाया गया था। इसमें सूफी म्यूजिक होता है और वैष्णव म्यूजिक होता है, याद रख लेना बस। ठीक है, अब हम आते हैं इधर से चलेंगे, अब हम त्रिपुरा, त्रिपुरा में आपके पास है रियांग ट्राइब्स, ये न्यूज में रहती है, चकमा, मारालाई एंड ब्रू, चकमा, मारालाई, ब्रू, रियांग, ये ट्राइब्स आपको ध्यान रखनी है। मुंडा के साथ साथ, मुंडा के साथ साथ और कौन सी ट्राइब्स हैं अपने यहाँ पे जो छोटा नागपुर रीजन के आसपास मिलती है, मुंडा, औरोंग, कुरुक, असुर एंड संथा। मुंडा, औरोंग, कुरुक, संथाल एंड असुर, त्रिपुरा हमने देख लिया, रियांग, चकमा, मारालाई एंड ब्रू। फिर हम आते हैं नागालैंड, नागा में नागाज, मणिपुर में मैतीज। ठीक है, मिजोरम में है आपके पास कुकी, कुल्लू एंड लुशाई, लुशाई, लुशाई याद रखना, लुशाई है यहाँ पे, कुकी, कुल्लू, लुशाई, मैती, मणिपुर, नागा की, नागा तो हो ही गई, और सुई ट्राइब से मिलती है नागा में। अब हम आते हैं अरुणाचल में, अरुणाचल में आपके देखिए ये है, ए से ज्यादातर है अभोर, अखा, अपंथीज। ठीक है, ये है अपंथीज जो टाइगर को अपना बिग ब्रदर मानती है, नेशमीज। ठीक है, और यहाँ पे त्वांग रीजन है, मोनपा लोग यहाँ पे मिलते हैं, मोनपा जो है उनके फेस्टिवल्स है, रिलीजियस फेस्टिवल, लोसार एंड तोरेगा फेस्टिवल, तो ये टर्म्स याद रख लेना। नॉर्थ ईस्ट में निशी ट्राइब्स, निशी अपनी यहाँ भी। फिर मेघालय में हमें पता ही है ये तीनों के तीनों जीके जी क्या है, गारो, खासी, जयंतिया, तो खासी और ये यहाँ पे आपके मेघालय वाले रीजन में आपको मिल रही है, ये गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, ये अपनी हो गई गारो, खासी, जयंतिया, और हमारे यहाँ पे हजांग ट्राइब्स भी हैं, और लिम्पी, लिम्पू है, लिम्पी है। ठीक है, लेपचा, ये है हमारी सिक्किम की, लिम्बो, लेपचा, भूटिया, ये आपकी सिक्किम की ट्राइब्स हैं, प्लीज रिमेम्बर दिस, लेपचा, भूटिया, लिम्बो। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा ट्राइब्स वाला, हमने सारे के सारे स्टेट्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं वो हमने देख ली है। उसके अलावा आपकी ये यहाँ पे नीचे हमें मिल रही है कि गोदारा ट्राइब्स, हजांग ट्राइब्स, ये हमारी मिलती है मेघालय, नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, प्लीज रिमेम्बर ऑल दिस ट्राइब्स। तो ये हमारी हो गई है ट्राइब्स।
उसके बाद ये अपना एक फिजिकल सा मैप है, एक एक्स्ट्रा मैप है, इसका कोई टाइटल नहीं है। ये इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगी मैंने मार्क कर ली, मैं आपको वो कवर करा देता हूं इस मैप। आई होप हाँ ट्राइब्स वाला सही से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मैप। देखिए K2 यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट है, K2 अपना यहाँ है, नंगा नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा आदमी, ऐसे याद रख लो, नंगा आदमी JNK में घूम रहा था, ठीक है, तो नंगा पर्वत यहाँ पे है, मशरबुम, ठीक है, इन सारे के सारे माउंटेन रेंजेस के ट्रेक हम आने वाली स्लाइड्स में अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे जैसे काराकोरम, लद्दाख, जस्कार, सारे की सारी होती सीक्वेंस से ही मैंने ट्रिक बना रखी, वो हम देखेंगे। बट एक अभी मोटा मोटा इसमें देख लेते हैं, मैप आ गया है। तो फिर हमारा यहाँ पे कैलाश माउंटेन है, ये आपके नेपाल वाले रीजन में, मानसरोवर लेक इधर है, ठीक है, कामेत नंदा देवी उत्तराखंड में, ठीक है, लेपू लेक ये हमारे उत्तराखंड में है, और देखिए भिवानी बांगड़ ये हरियाणा में है आपका, भिवानी बांगड़, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है तो भिवानी बांगड़, थार डेजर्ट आपका पाकिस्तान में है, थार इंडिया में है, तख्ते सुलेमान रेंज, सुलेमान रेंज ये हमारे पाकिस्तान की है, ठीक है। उसके बाद हम इधर आते हैं धौलागिरी, धौलागिरी, गौरी शिखर, मकालू और एवरेस्ट, ठीक है। धोला, धोला इज व्हाइट, गौरी, गौरी इज ऑल्सो व्हाइट, धोला गौरी, ठीक है, धोला और गौरी साथ साथ थे, और मकालू और एवरेस्ट, धोला और मतलब व्हाइट व्हाइट मकालू एवरेस्ट में चढ़ गई, तो ये हो गए हमारे यहाँ। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, झुलिप ला ये सारे पासेस आएंगे तब भी हम देखेंगे, बुम भूटान के पास होता है तो बुमला ये आपका अरुणाचल और यहाँ पे है, ठीक है। फिर हमारे अब हम आते हैं यहाँ पे राजस्थान में, तो यहाँ पे हमारे पास फेमस क्या है, गुरु शिखर, फिर यहाँ पे हमारे पास है कालसुबाई पीक, महाबलेश्वर पीक, और नीचे हमारे पास है डोडा बेटा। डोडा बेटा आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, और फर्स्ट है हमारे पास अन्नामुदी, ठीक है, 2695, 2632 ये सवाल पूछ लिया जाता है, फर्स्ट इज अन्नामुदी, सेकंड इज डोडा बेटी। अब यहाँ पे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और इसके मीनाकोई के बीच में है, मालदीव एंड मीनाकोई, मीनाकोई और लक्षद्वीप के आपके जो ये है अमनदीव और इनके बीच में है 9 डिग्री चैनल, और अंडमान और निकोबार के बीच में हमारा आता है 10 डिग्री चैनल। तो डायरेक्टली सवाल आएगा अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, ये ध्यान रखना है, लिटिल अंडमान है यहाँ पे, कार निकोबार, तो अंडमान निकोबार 10, 8 इज बिटवीन मालदीव एंड मीनाकोई, मीनाकोई से ऊपर 9 डिग्री चैनल। तो ये है एडम्स पीक है आपकी श्रीलंका में, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, ये अब हमारी हो गई है। फिर यहाँ पे हमारे पास उड़ीसा में आती है महेंद्रगिरी पीक, चिल्का लेक ये ध्यान रखना, महेंद्रगिरी मलयगिरी यहाँ पे घर जात है और राजमहल है ये हम ध्यान रखेंगे। देखो महल है ऊपर, घर है नीचे, और राम है बीच में, घर राम और घर जात। फिर हमारे इधर हम आएंगे तो ये है कैमूर हिल्स, फिर है मैखल रेंज, महादेव, गाविलगढ़, ठीक है, इनकी भी ट्रिक है, मेरा बेटा गवाला, तो महादेव बैतूल आता है यहाँ पे, गाविलगढ़ आता है, डिटेल में हम रीजनल जब देखेंगे तब हम इनको डिटेल में करेंगे। देन कोम्बी मेरी वे है यहाँ पे आपका, ये ध्यान रख लेना, बांग्लादेश के नीचे है, अरकन योमा ये हमारी चलती है बांग्लादेश से, इधर अंडमान निकोबार की एक्सटेंशन, ठीक है। आई होप ये सब सारे के सारे मोटे मोटे हमें समझ में आ गए होंगे, ठीक है, ये था हमारा सेकंड मैप। अब हमारा आता है थर्ड मैप अबाउट द ड्रामास, सो आई विल टेक ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स बट आई एम क्लोजिंग दिस, तो आप भी चाहे तो ब्रेक ले सकते हैं एंड आई विल रिज्यूम आफ्टर सम टाइम, बट ये वीडियो कंटिन्यू में ही रहेगा क्योंकि उसके बाद चलेगा। ओके आई एम पॉजिंग इट, ओके द रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड अगेन, हेलो, ओके। तो देखिए ये है अब हमारा ड्रामा वाला मैप, ड्रामा वाला मैप है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ड्रामा है हम स्टेट वाइज इनको देखते हुए चलेंगे। देखो जहां पे बांड बांड पंथेर और बांड जसना बांड आ रहा है वो है JNK, तो ये याद रख लेना, JNK का आपका इंपॉर्टेंट है बांड पंथेर एंड बांड जसना। स्वांग स्वांग आपके हरियाणा और यूपी के मेरठ वाला जो रीजन है वहां पे होता है, तो ये हमारा स्वांग वाला रीजन है, ठीक है। राजस्थान के डांसेस में आता है कालबेलिया,
जो कि इम्पोर्टेंट है, वो डांसेस में है, सॉरी ये है ड्रामा। मैं ओके, तो हम ड्रामास देख रहे हैं, ड्रामा अलग है, डांस अलग है। ड्रामा तो ड्रामा होता है, डांस डांस होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं गुजरात, गुजरात में है भावई, भावई, भावना से ध्यान रखना, भावना रहती थी गुजरात में और उसका ड्रामा था भावई, ठीक है, भावई, भावई हमें याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे भावना भी है हमारे पास, ये भी ध्यान रखना। मैंने फिर किसकी बनाई थी, कैसे रिलेट करना है, भावना यहाँ पे है, भावना, भावना कहाँ है आपका, आसाम में, भावना, तो ये याद रख लेना कि भावना कहाँ है, आसाम में, और एक भावना रहती थी गुजरात में जिसका ड्रामा था भावई। भावना इधर है, भावई गुजरात में है, कंफ्यूज मत हो जाना कैसे भी बस, ठीक है। फिर आपका तमाशा, तमाशा कर रहा था बाल ठाकरे, तो बाल ठाकरे तमाशा कर रहा था। आई होप महाराष्ट्र के जो भी मतलब जो भी लोग इसको देख रहे हो, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, इट इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेम्बर थिंग्स। बाल ठाकरे तमाशा कर रहा था, तो ये हो गया महाराष्ट्र का। फिर हमारे पास आता है गोवा का दस अवतारम, दस अवतारम गोवा का तमाशा कर रहे थे। यक्षगान ये आता है हमारा कर्नाटका का, यक्ष जी कर्नाटका में खड़े थे, दस अवतार थे गोवा के, ठीक है। अब देखिए केरला और तमिलनाडु के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल आएगा ड्रामा में। तो यहाँ पे हमारे पास आता है थीयम, थीयम इज अ टर्म यूज फॉर गोल्ड, तो थीयम, मुदियट्टू कोडियट्टम कृष्णाट्टम, ये यूनेस्को के हैं दोनों, मुदियट्टू और कोडियट्टम यूनेस्को, और कृष्णाट्टम, अट्टम अट्टम इज आपका केरला, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास तमिलनाडु में है नोडी नाटकम, नोडी इज फॉर स्ट्रीट, नाटकम इज ड्रामा, एंड तिरुकुत्तु, कुत्तु कहीं भी आएगा वो तमिलनाडु में आ जाना, अट्टम कहीं आएगा वो केरला में, तिरुकुत्तु नोडी नाटकम। अट्टम और नाटकम में कंफ्यूज मत होना, यट्टम नाटकम, नाटकम यहाँ है, ठीक है, स्ट्रीट। फिर आंध्रा में देखो, एक मेरा दोस्त था बूरा, मंजीत बूरा, तो मैंने उस पर ट्रिक बनाई थी कि मंजीत जो बूरा है, बूरा जो है तंबूरा लेके, बूरा तंबूरा लेके आंध्र प्रदेश गया और वहां पे कथा गाने लग गया, किसकी कथा, हरि की कथा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ग्राम है, बूरा कथा, हरि कथा एंड तंबूरा, ये तीनों हैं, किसके हैं, आंध्र प्रदेश के। तो बूरा तंबूरा लेके आंध्र प्रदेश गया था, तो ये क्या क्या गाने लग गया, बूरा कथा, हरि की कथा और तंबूरा। फिर एमपी में आपका आता है माच, माचना मतलब होता है जैसे रीझना होता है ना, रीझते हैं कि ज्यादा मत माच, ठीक है, सो ज्यादा रीझो मत, या कोई आदमी ज्यादा भाव खाता है तो ज्यादा उसको माच बोलते हैं, माच। मेरी एक फ्रेंड थी अनामिका, मैंने उससे याद किया था कि अनामिका ज्यादा मत माच, एंड शी वॉज फ्रॉम एमपी। तो ऐसे आप भी ट्रिक बना सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो या फिर इसी से ही याद कर सकते हैं कि माच एमपी का है, क्योंकि अनामिका ज्यादा माचती थी, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। जथरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है आपका बंगाल का जथरा, ठीक है। और मिजोरम में आपका आता है चपकारकूट फेस्टिवल, ये याद रख लेना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, चपकारकूट। फिर देखिए नकुल सहदेव आपके बिहार में है, नकुल, नकुल ड्रामा कर रहा है बिहार में, तो नकुल आपको ध्यान रखना है, इट्स फ्रॉम बिहार, ठीक है। फिर हमारे असम के तीन आते हैं, ए फॉर असम, ए फॉर अंकियाकूट, अंकिया भावना खंबा तोबी, ठीक है, अनकिया, अनकियानूत, अनकियानूत भावना खंबा तोबी, ठीक है, अनकिया, अंकिता मेरी एक दोस्त थी, उससे भी मैंने इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद करने की कोशिश करी थी कि भाई अंकिया, अंकिया ये आसाम में थी, खंबा तोबी और भावना है उस, ठीक है। ऐसे ही कैसे भी ट्रिक्स बना के, मैंने जो मेरी ट्रिक्स बना रखी थी, आई हैव शेयर देम विद यू। तो ये हो गया है हमारे ड्रामा, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट ड्रामा है वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम आते हैं पपेट्स पे, जो इंपॉर्टेंट पपेट्स हैं। आपकी चार टाइप की पपेटरी होती है, स्ट्रिंग पपेटरी जो कि स्ट्रिंग से अपन हाथ से चलाते हैं, शैडो पपेटरी जिसमें पीछे पर्दे पे शैडो बनती है उससे, और रोड पपेटरी, बड़ी बड़ी रोड्स होती हैं उसके ऊपर पपेट्स होते हैं, या फिर ग्लव पपेटरी जो हाथ में ग्लव्स लेके हम करते हैं। तो देखिए मैंने इनके सिंबल्स बना रखे, स्ट्रिंग अपना ये स्ट्रिंग से दिखा रखा है, शैडो वाला ऐसे आपको ये दिखेगी जैसे अपना पीछे पर्दा होता है, पर्दे जैसे, रोड में मैंने ये रोड बना रखी है, ग्लव्स में हाथ बना रखा है, तो ग्लव्स ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ है हमारी, कठपुतली, कठपुतली है स्ट्रिंग पपेटरी, ये है आपकी राजस्थान की, ठीक है, याद रख लेना। फिर
फिर हमारे पास आती हैं, देखो यहां पे ये तीन अपने पासेस इंपॉर्टेंट है, थल घाट, भोर घाट एंड पल घाट। ठीक है, तो थल और भोर, थल इधर है नासिक की तरफ, भोर मुंबई की तरफ है, भोर हुई मुंबई में और थल नासिक में था। ठीक है, और पल घाट ये तीन दोनों के बीच में है, जो यहाँ पे अपना बीच में निकलता है नीलगिरी की तरफ से, तो पल घाट पलक्कड़ में, ये तीन तो ध्यान रख लेना। अब हम दोबारा से पपेट्री पे आते हैं, तो हमारे पास कठपुतली हमने देख ली, फिर हमारे पास स्ट्रिंग पपेट्री में आते हैं गोम गोम्बी अट्टा। गोम्बी अट्टा टर्म्स जहां पे आएगी वो रहेगी आंध्रा की, गोम्बी अट्टा स्ट्रिंग पपेट्री ऑफ सॉरी कर्नाटका की। देन थोगोलू गोम्बी अट्टा, ये हमारी होगी शेडो पपेट्री। देखिए ये सिंबल जो हमारा है ये शेडो का है, तो ये थोगोलू गोम्बी अट्टा, तो गोम्बी अट्टा एंड थोगोलू गोम्बी अट्टा ये आपकी यहाँ पे होगी आंध्रा की। अब हम आते हैं केरला। केरला में पवा कथली कथली, पवा कुथु, थल पवा कुथु, कुथु याद रखना, कुथु कुथु कथली। ठीक है, तो बस ये इतना डिटेल में तो नहीं आएगा कि पवा कथली आपकी ग्लव्स पपेट्री है, ये स्ट्रिंग पपेट्री होगी, ये शैडो पपेट्री होगी, बट कुथु कुथु कथली केरला। बोमलट्टम, देखो वैसे तो अट्टम अट्टम केरला में आता है, बट पपेट्री में आता है तो स्ट्रिंग पपेट्री बोमल अट्टम इज फ्रॉम तमिलनाडु। कुत्तु कुत्तु केरला, कंदेई है हमारी उड़ीसा की, गोमे अट्टा है कर्नाटका की। ठीक है, तो थोलो बोमे बोमल अट्टा, थोलो बोमल अट्टा शेडो पपेट्री आपकी हो गई ये आंध्रा की। फिर है रावण छाया, छाया इज शेडो, रावण की छाया बन रही है उड़ीसा में, और उड़ीसा में कुंदेही, कुंदेही स्ट्रिंग पपेट्री एंड साकी कुंदेही, साकी कुंदेही गलव पपेट्री ऑफ उड़ीसा, ये हो गए। फिर हमारे पास आता है काथी कुंदेही, ये होगी रोड पपेट्री ऑफ उड़ीसा। तो कुंदेही 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 इज फ्रॉम उड़ीसा, ये याद रख लेना कुंदेही। यमपुरी, यमपुरी है आपकी, आप बिहार में है यमराज, तो यहाँ की रोड पपेट्री, रोड वाली ज्यादातर चीजें इधर ही फेमस है। पथुल नौच, ये भी पाथुल नौच है आपकी वेस्ट बंगाल की, तो ये याद रखना। देन हम आते हैं आसाम में, हमारे पास है पूदा नौच, पूदा नाच, पूदा नाच हमारी स्ट्रिंग पपेट्री एस फॉर स्ट्रिंग, और ये आपके सिक्किम हिमालयस है, ये भी स्ट्रिंग पपेट्री है। तो ये हमारे सारे की सारी पपेट्रीज हो गई हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं डांसेस, तो डांसेस में हमारे पास आएगा, देखिए ये बहुत सारे डांसेस हैं। ठीक है, याद रखना है कैसे ना कैसे करके, तो एक एक स्टेट के हम डांसेस करते हुए चलेंगे, डांसेस वाला चैप्टर बड़ा ही लंबा होगा। आई एम अगेन टेकिंग ए पॉज एंड विल रिज्यूम इट। चलिए फिर से हमने इसको रिज्यूम कर दिया है, तो अभी हम देख रहे थे डांसेस। देखिए डांसेस में हम जेएन के से शुरू करते हैं, यहाँ पे दो हैं धमाल एंड धमली। धमाल आपका हरियाणा का है एंड धमली इज जेएन के, धमली जेएन के, जेएन के की हमारी ट्रिक है खौफ खा खुदा का, खौफ खा खुदा का जबरू जवान। ठीक है, तो खौफ का हो गया रौफ, खुदा का खुद, जबरू गबरू जो भी है, और फिर दो हमारे याद रखना है हिकित और कीकली। ठीक है, खौफ का खुदा का गबरू जवान, हिकित कीकली धमली धमाल, यहाँ पे आता है हरियाणा का धमली जैन के, तो दिस इज इट। अब उसके बाद हम आते हैं पंजाब पे, तो पंजाब में आपके पास गिद्दा, सबको पता है गिद्दा थियम एंड सामी, गिद्दा थियम सामी, ये तीनों आते हैं आपके पंजाब के, हरियाणा के बहुत सारे हैं, तो ये हमें याद रखने हैं। गुग्गा सांग लूर खोरिया झूमर घूमर एंड धमाल, धमाल याद रख लेना, बाकी मैंने इसलिए रखे थे बिकॉज आई एम फ्रॉम हरियाणा और मेरा हरियाणा का पेपर भी था, बाकी धमाल से भी याद रखोगे तो भी काम चलेगा और सांग भी याद रख सकते हैं। कथक हमारा नॉर्थ इंडिया का ही है, ज्यादातर यहाँ इसके बहुत सारे घराने हैं। ठीक है, फिर आपके आते हैं राजस्थान पे, आ जाइए राजस्थान में ना, आते ही मुझे एक ख्याल आया। ठीक है, काला बेलिया कच्ची घोड़ी घूमर चारी, घूमर घूमने चलो कच्ची घोड़ी पे, काल बेलिया तो सबको पता ही है राजस्थान का है, तो मुझे एक ख्याल आया कि काल बेलिया डांस है तो कच्ची घोड़ी पे घूमर चलो चारी। ठीक है, घूमर चारी, घूमर चलने को चारी भी बोलते हैं कई बार, तो घूमर चारी ऐसे मैंने याद किया था, ख्याल आया,
और कि यहाँ पे कच्ची घोड़ी है, कच्ची घोड़ी पे बैठ के जाएंगे, घोड़ी के तीन आएंगे आपके पास, ठीक है? तो कच्ची घोड़ी है हमारी राजस्थान की, ये याद रखना, कच्ची घोड़ी राजस्थान की है, ठीक है? फिर देखो यहाँ पे चिट्टी घोड़ा, ये आपका उड़ीसा का, तो चिट्टी घोड़ा घोड़ी है राजस्थान की, घोड़ा है उड़ीसा का, उड़ीसा गो घोड़ा, और राजस्थान की घोड़ी, ठीक है? ऐसे याद रखना। देन हमारे पास आता है ये जो आपका गुजरात वाला रीजन है, भावई, ये हमने ड्रामास में भी देखा था, रथवा, रथवा यहाँ पे है हमारा। देन गरबी, गरबा और डांडिया, गरबी, गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया बहुत फेमस है गुजरात के, गरबी भी याद रख लेना, ठीक है? देन हम आते हैं यहाँ पे एमपी में, एमपी में बधाई दी गई थी, क्यों? देखो कृष्णा के जन्मदिन पे हम क्या करते हैं, हांडी को फोड़ते हैं, हांडी में क्या होता है, दही, और कृष्णा काले थे तो दही काला, दही हांडी, और बधाई दी भाई, कृष्णा जी का जन्मदिन है तो बधाई दे रहे हैं, काले दही काली हांडी, तो यहां से याद रखना, दही काला और दही हांडी, दीज आर द टू थ्री डांसेस, ठीक है? दही काला, दही हांडी। फिर हमारे महाराष्ट्र में आते हैं कोलीज होते हैं, कोली एंड लवनी, लवनी और कोली आपके आते हैं महाराष्ट्र के। अब हम आते हैं यहां से गोवा के, गोवा के याद रख लेना, गोवा के ये थोड़े से इम्पोर्ट, मतलब घोड़ी मोड़नी, देखो घोड़ी कच्ची घोड़ी है राजस्थान की, घोड़ी मोड़नी है गोवा में जाके, क्यों मोड़नी है, क्योंकि गोवा में चिल करने का मन करता है, तो हम गोवा से वापस जा रहे थे, फिर हमने सोचा घोड़ी को मोड़ लेते हैं, ठीक है? तो घोड़ी को मोड़नी है गोवा में। फिर हमारा गोवा में और कौन से है, फुगड़ी, गुफ, जागोर, तो गोवा में जागना बहुत जरूरी है, क्यों? नहीं जागते हो तो उसको क्या बोलते हैं, जागो, जाग क्यों नहीं रहे, क्योंकि गोवा में क्या होता है, यू ड्रिंक अ लॉट, तो आप होश नहीं रहता, तो आप जागो, जागो, नहीं जाग रहा, क्यों? फुगड़ी पी ली, होश नहीं रहा, गुफ, गुफिंग, तो गुफ कर रहे हो, या फिर घोड़ी मोड़नी है, क्योंकि गोवा में ही रहना है, वापस नहीं जाना, तो घोड़ी मोड़नी हो गया हमारा गोवा का। फिर हमारा आता है कर्नाटका, कर्नाटका के जो हमारे पास हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये देखो बहुत सारे हैं, भूत, भूत, भूतकोला, नागमंडलम, ढोलकुनिता, भोयालट्टा, यक्षगान, यक्षगान तो है ही, एंड गोरवारा कुनिता, कुनिता है अपने कर्नाटका के, देन भोयालट्टा भूत है, भूत काला, भूतकोला, नागमंडलम काला नाग काला भूत, ठीक है? काला नाग काला ना भूत, और यक्षगान, तो यह याद रख लेना। फिर अट्टम अट्टम हमारे आते हैं केरला के, कौन सा, मोहिनी अट्टम, कोड़ी अट्टम, कथकली, विनो केरला का है, एंड खदवा काली, काली, ठीक है? भूत काला, काला तो है कर्नाटका में, काली आ गई, खदवा काली आ गई आपकी केरला, तो ये ऐसे कंपेरेटिवली याद रखना। लावा है लक्षद्वीप, ठीक है? अब हम आते हैं यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु में है भरतनाट्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांसेस में है, अरियर सेवई, मली अट्टम, देखो मली वैसे मलयालम जैसा लग रहा है, बट इसको कंफ्यूज मत होना, मलयालम नहीं है ये, तमिलनाडु है मली अट्टम, कोदिकुट्टू, कुत्थू होती स्ट्रीट, तो कोदिकुट्टू, करगम, कोलट्टम, कोलावेरी से याद रखा था मैंने, कोला, कोलाट्टम, कोलावेरी, ये हमारे कोलावेरी गाना आया था धनुष का, धनुष तमिलनाडु का, तो कोलाट्टम, देवातरम, दवातरम, दवा करो, दवा करो से मैंने याद है, दवा करतम, देवातरम करा करतम, तो दवा करो, दवारतम करारकम, ये हो गया हमारे तमिलनाडु के, ये याद रख लेना। कुचिपुड़ी आंध्रा का है, डंडरिया आंध्रा का है, तेपाल, तेपता गोलू आंध्रा का है, ठीक है? ये इसकी ट्रिक है, दोलू भूत, ये याद नहीं रहेगी, छोड़ो ये मुझे भी ध्यान नहीं, तो ये आंध्रा के हो गए हमारे। फिर हम आते हैं उड़ीसा के, उड़ीसा का एक तो उड़िया ही हो गया, उड़ी, उड़ीसा, उड़ी, उड़िया, देन धोपू धोलिया, धोपू धोलिया, दस कथिया, दस कथाएं हैं, चेटी घोड़ा है, और गोटी पुआ, गोटी पुआ, ठीक है? धोलिया, दस कथा, गोटी पुआ, ठीक है? दस कथा सुन के गोटी पुआ हो गया। देन चेटी घोड़ा, चेटी घोड़ा उड़ीसा का घोड़ी, कच्ची घोड़ी राजस्थान की, घोड़ी मोड़नी आपकी गोवा की, चाऊ, चाऊ ये है आपका वेस्ट बंगाल का, तो ये हमें ध्यान रखना है।
अब हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा के अपने पास है होजागिरी, ये जो रियांग हमने ट्राइब देखी थी उसका था होजागिरी। फिर बैम्बू डांस है एक चिराव, चिराव है हमारा मिजोरम का। फिर हमारे मणिपुर में है मणिपुरी, मैबी लाई हरिबो खंबा तेवई, लाई हरिबो खंबा तेवई मैबी और मणिपुरी। नागालैंड में पंच चोला चोलोन, ये नागालैंड का है पंग चोलोन। माई भी जागो ये यार अभी मुझे श्योर नहीं है, प्लीज चेक इट, और वैसे नहीं भी देखो तो भी चलेगा कि ये कहाँ का है, ये शायद नागालैंड का ही है। अब हम देखते हैं वहां से आते हैं तो हिमाचल में करा लिया, क्या करा लिया, पंजीकरण करा लिया हिमाचल में, क्योंकि घूमना था शिमला। अब हम आते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या है, चोलिया चावला चापेली, थ्री सी, थ्री सी है आपके उत्तराखंड में, चावला चोलिया और चापेली, चावला चोलिया चापेली। पाइका विदेश, पाइका होते हैं ना जो पाइकाज आपके वर्कर्स होते हैं, पाइका वो विदेश गया, पाइका विदेश, तो ये हो गया हमारा बिहार का पाइका विदेश। फिर हमारे यूपी में है कजरी, यूपी के अपने है ना अमिताभ बच्चन, कजरारे कजरारे, कजरी चार पुला, चार पुला डांस होता है सिर पे दिए जो होते हैं दियो को रख के किया जाता है, मयूर, मयूर है मयूर, मोर से याद रखना, मोर सिर पे उनको दियो को रख के डांस कर रहा था, कजरारे कजरारे गाने पे, तो कजरी चारकुला एंड मयूरी, तो ये तीनों डांस हो गए। छम एंड मरुनी, छम एंड मारुनी, ये हो गया सिक्किम का छम मारुनी। बिहू आसाम का है बिहू एंड सतरिया, ये हमारे हो गए आसाम के। फिर हमारे पास आते हैं अरुणाचल के, उसमें आता है भुनिया नुनिया नुया, भुया नुया कंपती पोनुंग याक, याक आपका मोनपास का है जिनके लोसार तोयगा हमने फेस्टिवल देखे थे, भुया नुया कंपती पोनुंग, ये हमारे डांसेस हैं अरुणाचल के। तो ये सारे के सारे डांसेस हमने देख लिए हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डांसेस सारे कवर हो चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे फिजिकल, फिजिकल सारे के सारे एक साथ हम ट्राई करेंगे कवर अप करने की। ओके ओके, तो अब हम दोबारा से इसको रिज्यूम कर रहे हैं, फिजिकल सारा का सारा फिजिकल अब हम एक साथ निपटा देंगे। फिजिकल में सारे जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आएंगे वो हम देखते हुए चलेंगे। देखो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा का ये फिजिकल मैप हमारा है। तो इसमें देखो आपका भटूरा था, यहाँ पे ट्रिक हमारे ये है सारे के सारे ग्लेशियर्स की, भटूरा खाते हैं, भटूरे में बाल गिर गया किसका, बाई का, ठीक है, बाल गिर गया बाई का, बाइक किसकी थी, हिस्की थी, हिस्की थी, इस पर हिस्की बाई थी, ठीक है, तो बाल गिर गया, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो भटूरा, भटूरा ग्लेशियर, और बाई का बाल गिर गया, बाई फो बाल तोरो, भटूरा बाई फो बाल तोरो और हिस्पा, ये हो गए बीच में, और कमारी ग्लेशियर यहाँ पे है, फिर सियाचिन सबसे लास्ट में आता है, तो भटूरा बाई फो बाई और बाल सियाचिन, ये हो गया आपके ग्लेशियर्स। फिर यहाँ पे जो प्लेन्स आते हैं तीनों प्लेन्स ऐसे याद रखना एक साथ, देवसाई, देवसाई प्लेन, देवशांग एंड सोडा प्लेन, ये इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, देवसाई, देवशांग, सोडा प्लेन। फिर हमारी सॉल्ट लेक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट है, केएलपीडी होता है, केएलपीडी, केएलपीडी एक बहुत ही कॉमन एक्रोनियम है, केएलपीडी के बीच में जेड है, तो काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धुआंधार, जेड फॉर जंस्कार, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी हो गई हैं जो माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये है काराकोरम, लद्दाख, ये ऐसे है काराकोरम, लद्दाख, झंस्कार और पीर पंजाल और धुआंधार, ठीक है, धौलाधार, धौलाधार, धौलाधार रेंजेस, ठीक है, के एल पी डी जेड बीच में, ये हो गई। फिर आपके जेएमके में एक यहाँ पे आती है अपनी वुलर लेक, फिर जोजीला पास बीच में है, फिर खार बेसिन है हमारा यहाँ पे खार बेसिन, और यहाँ पे कोने में हमारे पास तीन चार क्या क्या है, ये देखो सोमोरीरी जहाँ पे चाइना के साथ हमारा विवाद चल रहा है, सोमोरीरी, और कैलाश,
कैलाश रेंजेस, हेनले बेसिन, चारडिंगला, जाराला, चांगला, ये सारे के सारे जेएनके के हैं हमारे। फिर हम आते हैं नीचे, तो उत्तराखंड में शिपकिला, सॉरी हिमाचल में आपका पास है शिपकिला। फिर उत्तराखंड में हम आएंगे तो नीति लिख रही थी, नीति ले, नीति पास, लिख, लेपुलेख, ठीक है, नीति लेख लेख, ये दोनों जो पासिस हैं ये हैं उत्तराखंड के। रकाज लेक हमारे पास यहाँ है, ठीक है। फिर दो ग्लेशियर यहाँ पे आपके हैं, मिलम एंड पिंडारी, मिली पिंडारी, मिलम पिंडारी एंड गंगोत्री, जहां से गंगा निकलती है। फिर यहाँ पे हमारे पास तीन रेंजेस है, नागतिपा रेंज जो कि सबसे वेस्ट में है, नागतिपा के बाद आती है मसूरी रेंजेस जो बीच में है, फिर आती है कुमाऊं रेंजेस जो कि ईस्ट में है उत्तराखंड के। फिर हम आते हैं पंजाब में, पंजाब में हमारे पास कौन से प्लेन्स है, बारी प्लेन, मांझा प्लेन, पतंग उड़ाने की मेरी बारी, पतंग उड़ाते हैं मांझा यूज करते हैं, तो मांझा प्लेन, बारी प्लेन, बीस्ट दो आप सॉरी, एंड मालवा प्लेन्स। मालवा प्लेटू से कंफ्यूज नहीं होना है, मालवा प्लेन्स पंजाब के है, मालवा प्लेटू आपका एमपी का है। सिरहिंद प्लेन्स एंड सरस्वती प्लेन्स, सरस्वती जो हरियाणा से निकलती थी, सरस्वती प्लेन हरियाणा के आसपास के हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसके पास हम देखते हैं राजस्थान और गुजरात का फिजिकल, राजस्थान में क्या क्या चीजें फेमस है, थार एक तो सबसे ज्यादा फेमस है, डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो खेतरी हिल्स, तोरावती हिल्स, खेतरी और तोरावती ऊपर आती है कॉपर की। यहाँ पे अलवर एक जगह है दिल्ली के पास, तो अलवर हिल्स, लाल सोत, बयाना, बयाना याद रख लेना, बयाना हिल्स, सांबर, सॉल्ट लेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रणथंबोर हमारा पार्क है, नेशनल पार्क, तो रणथंबोर प्लेटो यहाँ पे याद रखना है, बूंदी है, कोटा के पास एक जगह है तो बूंदी हिल्स। फिर हमारे पास यहाँ पे चंबल में आते हैं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और काली सिंध रिवर, पार्वती रिवर, ठीक है, ये रिवर्स याद रखनी। मेवाड़, मेवाड़ प्लेटू ऑब्वियसली राजस्थान का होगा, और बोरात, बोरात एक मूवी थी, बड़ी फनी मूवी थी, इंग्लिश मूवी बोरात, तो बोरात प्लेटू आपका राजस्थान में है, मेवाड़ प्लेटू भी आपका राजस्थान में है, एंड मेवाड़ हिल्स भी आपके राजस्थान में है। देवार लेक, देवार लेक भी आपकी राजस्थान में है, और सांभर लेक, सांभर बार बार सारी राजस्थान में आएंगी। अब हम देखते हैं गुजरात, गुजरात के क्या क्या फेमस है, इधर जाते हैं ऊपर से शुरू करते हैं, देखो सर क्रीक, सबसे पहले सर क्रीक, सर क्रीक, कोरी क्रीक, गोड़िया क्रीक, तीन क्रीक आ गई, सर क्रीक, कोरी क्रीक, गोड़िया क्रीक, देन धोला रेंजेस ये इधर हो गई। फिर नीचे वाले अगर हम आए तो इसमें हमारे पास क्या है, पोरबंदर कोस्ट एंड गोलेश्वर कोस्ट, ठीक है, यहाँ पे माल बैंक एंड मलक्का बैंक, माल मलक्का। फिर हमारे पास आती है बारदा हिल्स, ये है बारदा हिल्स आपके वेस्ट में, एंड माधव हिल्स बीच में आती है, बम्पन प्लेन, लखतर प्लेन, चारोत्तर प्लेन्स, ये हमारे इधर आते हैं, ठीक है। फिर ये याद रखना, सत्य बोलो राजा, सत्य राजा, राज पीपला, सत्य माला और माट, ठीक है, माट बीच में है, सत्य राजा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सत्य राजा, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ये लगाने आ सकती है, पहले आया भी हुआ है, सतमाला और राजपीपला ऑप्शंस में थे, तो सत्य बोलो राजा आगे, उसमें दो चार चीजें और आएंगी, हरिश्चंद्र तो वो भी आएगी, हम उसको देखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं यूपी में, यूपी में देखो सबसे पहले हमारे रोहिलखंड, रोहिलखंड वाला प्लेन है वो यहाँ पे है, रोहिलखंड प्लेन्स ऑफ गंगाज हमारे पास है, पूरबिया प्लेन, पूरब में है तो पूरबिया प्लेन, ठीक है। हमीरपुर का बंदा, मेरा एक सीनियर था हमीरपुर का, तो वो हमीरपुर का बंदा अपने आप को बोलता था, हमीरपुर प्लेन एंड बांदा प्लेन्स, हमीरपुर प्लेन्स, बांदा प्लेन्स, जलाऊ यहाँ पे है, हमीरपुर बांदा याद रखना। बुंदेलखंड सबको पता है, ये वाला रीजन बुंदेलखंड है यूपी के नीचे वाला, तो बुंदेल के पास बघेलखंड, बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों के बीच में बंदर, बंदर प्लेटू, बुंदेलखंड बघेलखंड, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद हम यहाँ पे आए तो छोटा नागपुर, छोटा नागपुर अपना है झारखंड में, छोटा नागपुर के ऊपर नीचे हम याद रखेंगे, महल है ऊपर राजमहल, घर है नीचे रामगढ़, रामगढ़ और एक घर जात, घर जात वाली अगली उसमें मिलेंगी, घर जात, घर जात हिल्स हमारी यहाँ पे है, राम बीच में है, महल ऊपर है, महल घर, घर नीचे होगा ना छोटा होता है, ठीक है। नवाड़ा प्लेन्स आपके बिहार में है याद रखना, खड़गपुर प्लेन्स भी आपके बिहार में है। तो ये हो गया हमारे सारे के सारे, तो ये हो गया आपका इधर का। अब इसके बाद हम देखते हैं नीचे वाले, तो ये हमारे आते हैं उड़ीसा और एमपी के,
एमपी में हमारी ट्रिक रहेगी, महारा बेटा गवाला, ठीक है, महारा महादेव, बेटा बैतूल, गवाला गाविलगढ़, तो ये तीनों इसी सीक्वेंस है, महारा बेटा गवाला वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे याद रखना मैकॉल रेंजेस, ठीक है, महाकॉल, महारा बेटा गवाला के तुरंत ईस्ट में है मैकॉल रेंजेस, ठीक है। ये हम सारे देख चुके हैं, बुंदेलखंड और ये सब देख चुके हैं, सतमाला भी हम उधर देख चुके हैं, ये गर्जात हमने देखा था, ये तीनों देखो, राजमहल छोटा नागपुर का बीच हो गया, राम बीच में आ गया, गर्जात घर नीचे आ गया, महल ऊपर आ गया। फिर है तिकरापाड़ा, तिकरापाड़ा आपके यहाँ उड़ीसा में, ठीक है, नयागढ़ तिकरापाड़ा, ठीक है, और धंधाकरणिया, धंधाकरणिया और बस्तर प्लेटू पास पास है, धंधाकरणिया के फॉरेस्ट है जहां पे नक्सल आपके छुप जाते हैं, तो बस्तर एंड धंधाकरणिया को याद रखना, नयागढ़ एंड तिकरापाड़ा ये आपके हो जाते हैं उड़ीसा के। अब हम आते हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ हमारे क्या रहेंगे, तो ये अजंता तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र में अजंता रेंजेस है, ठीक है। सत्य बोलो हरिश्चंद्र, सत्य सत सतपुड़ा सतमाला इससे ऊपर भी है, हरिश्चंद्र नहीं तो महाकाल महादेव नाराज हो जाएंगे, सत्य बोलो हरिश्चंद्र, बालाघाट भी यहाँ पे आता है, और हरिश्चंद्र और महादेव नाराज हो जाएंगे, सत्य बोलो हरिश्चंद्र महादेव नाराज हो जाएंगे, ऐसे याद रखना है। ये तो खाई आगे बालाघाट, सत्य बोलो ये वैसे सीक्वेंस में यहां आएगा लगभग, वह ऊपर से नीचे लगाएंगे ना, तो सत्य बोलो हरिश्चंद्र और महादेव ये हो गया। निर्मल रेंजेस आपके बीच में है, सतमाला हिल्स यहाँ पे है, रेंजेस उधर। नॉर्थ सिरकार ये आपका कोस्ट हो गया इधर का उड़ीसा का। अब यहाँ पे है नीचे आपका आंध्रा तेलंगाना वाला आता है, वहां पे ट्रिक है, पीजे मारते हैं, पीजे पुअर जॉक, तो पीजेज मार दिए, वेली बैठी थी कुछ काम नहीं कर रही थी, तो नल्ला नल्ला पीजे, नल्ला एक तमिल का वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अच्छे गुड, तो नल्ला पीजेज मैंने ऐसे याद किया, नल्ला पीजे मार रही है क्योंकि वेली बैठी हुई है, ठीक है, नल्ला के बाद वेली और पीजेज, तो ये याद रखना है, नल्ला इज नल्लामला हिल्स, वेली वेलाइकोंडा, पी पलाईकोंडा, पी जे एस पलाईकोंडा जावड़ी शेवरॉय, पलाईकोंडा यहाँ पे जावड़ी शहर हमारे अगले मैप में आएंगे, ठीक है, पीजेस नाला पीजे से याद रखना। तो ये आगे देखो पलाईकोंडा, पी जे पीजेस, जे हमारा यहाँ पे आ गया, पी पलक पलाईकोंडा जावड़ी शेवरो याद, ठीक है। फिर पंचमलई आपके यहाँ है, ये याद रखना, ओके। तो ये हो गया, देखिए बीच में ये बेंगलोर है, तो बेंगलोर प्लेटू ये सबको पता है, सीसाचलम हिल्स वो हमारे उसके पीछे है, पलाईकोंडा के पीछे सीसाचलम, ठीक है, शमोगा हिल्स शमोगा में होती है कर्नाटका में। अब हम आते हैं नीचे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारा नीलगिरी वाला रीजन है, ठीक है, नीलगिरी आपका इधर से ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जहां मिलते हैं नीलगिरी, ये सवाल आ चुका है, यहीं पे हमारा है पलघाट, पलघाट ये है, ठीक है, यहाँ पे पलघाट हिल्स पलघाट गया। अब यहाँ पे एसीपी था एक, एसीपी एसीपी, ए इज अन्नामलाई, सी इज कार्डेमम, पी इज पालरी, तो ए सी पी ये इसका ट्रायंगल बनेगा, ए सी पी अन्नामलाई कर्णवम पालनी और ए सी पी अरुशीला, आरु इज वरुशीला, वरुशांत एंड शिरुमला, वरुशीलु वरुशीलु, ए सी पी वरुशीलु, ए सी पी वरुशीलु थी वो याद रखना, वो सबसे नीचे है, तो ए सी पी ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा, अन्नामलाई कर्णवम पालनी और वरुशांत और शिरुमला, ये सारी की सारी हमारी हो गई है साउथ की। अब हमारा देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या है, देखिए नॉर्थ ईस्ट में यहां पे हमारी ट्रिक है अरुणाचल की, डीएमएएम क्या है, दाफला मेरी अभोर मिशनी, दाफला ये है वेस्ट टू ईस्ट, दाफला मेरी अभोर और ये हमारा है मिशमी, ये हमारी सारी की सारी रेंजेस होगी, दाफला मेरी अभोर मिशमी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वही करा रहे हैं हम, भूटान भूटान में बुमला बुम भूटान, ठीक है, नथु जीप लेके जा रहा था कहां पे, सिक्किम में, तो नथुला जीप लेके जा रहा था झिलिपला, ये है आपका सिक्किम में भूटान की तरफ, ठीक है। टाइगर हिल्स है हमारी वेस्ट बंगाल में, प्लीज रिमेम्बर, नागालैंड की नागा हिल्स, एंड फिर हमारी यहाँ पे आ जाती है कुछ और जो इंपॉर्टेंट है, गारो खासी जयंतिया इनका हमें पता है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे आएंगे मिकिर हिल्स, गारो खासी जनकिया से थोड़ा सा आगे आगे, यहाँ पे तीन है, पूर्वांचल सबसे पीछे है, ईस्ट मणिपुरी सबसे आगे है, बीच में है लेमेताओ,
लमिताओ, पूर्वांचल लमिताओ, ईस्ट मणिपुरी, तो पूरब लमिताओ, ईस्ट मणिपुरी, ये सीक्वेंस रहेगी। लुशाई हिल्स हमारी मिजोरम में, लुशाई हिल्स मिजोरम, ठीक है। तिस्ता रिवर यहाँ पे चलती है, ये हमारे बीच में, ये छोड़ो यार, ये मैप से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद हम आते हैं अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में अंडमान पहले देखते हैं तो अमन द्वीप, ये सॉरी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पहले हम देख रहे हैं। लक्षद्वीप में 11 डिग्री चैनल है अमिनी देवी एंड कवरत्ती के बीच में, ठीक है, और 10 डिग्री चैनल है कवरत्ती एंड सॉरी, ये 9 डिग्री हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी 10 डिग्री अंडमान एंड निकोबार के बीच में है, वहां से सवाल आता है, वहां पे इंपॉर्टेंट होगा। 9 डिग्री इज बिटवीन मिनिकोई एंड आपका कवरत्ती, और मिनिकोई इंडिया और उसके बीच में यहाँ पे हमारा है मालदीव्स, तो मालदीव्स इंडिया और मालदीव्स के बीच में है आपका 8 डिग्री चैनल, तो इंडिया का मिनिकोई एंड मालदीव्स, तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री बिटवीन मिनिकोई एंड लक्षद्वीप के अदर जो पार्ट्स बनेंगे, एंड 10 डिग्री बिटवीन अंडमान एंड निकोबार, ये याद रखना है। और फिर हमारे अंडमान निकोबार में हम देखे थे सबसे पहले कोको, कोको एक बहुत ही फेमस फैशन ब्रांड है, ठीक है। कोको जो ब्रांड है वो बहुत ही रिच लोग पहनते हैं, रिच लोग जो हैं वो बैरन लैंड थी, एक बैरन जहां पे कुछ नहीं था वहां पे जाके पार्टी कर रहे थे, ठीक है, पार्टी कर रहे थे और बस पार्टी कर रहे थे, तो ऐसे याद रखना है, ठीक है, दिल से पार्टी कर रहे थे, तो ये हमारी ट्रिक रहेगी। तो ऊपर हमारा कोको चैनल, ठीक है, कोको चैनल, कोको चैनल यहाँ पे सैडल पीक आपकी नॉर्थ अंडमान में, ये फिर बीच में मिडल अंडमान आ गया, यहाँ पे आ गया बैरन आइलैंड, ये अंडमान निकोबार में रिच से हमारा था, रिची आर्ची पहले को बैरन था, बैरन में पार्टी कर रहे थे दिल से, दिल इज दिल गर्न स्ट्रेट, तो ये आपको याद रखना है। एंड डनकन पैसेज, और वहां पे गाना चल रहा था 10 बहाने करके ले गए दिल, ठीक है, तो दिल से पार्टी कर रहे थे, गाना चल रहा था 10 बहाने करके ले गए दिल, तो अंडमान निकोबार में 10 डिग्री चैनल है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, 9 कहाँ पे है 10 कहाँ पे, ये कंफ्यूजन हो जाता है, वेरी वेरी कॉमन कंफ्यूजन, तो ये याद रखना 10 बहाने करके दिल ले गई थी अंडमान निकोबार में, रिच लोग वहां पे पार्टी कर रहे थे और बैरन जगह थी, वहां पे दिल से पार्टी हो रही थी, दिलगन स्ट्रेट, कार निकोबार हमारा है। सो ये हो गया हमारा अंडमान एंड निकोबार का सारा का सारा फिजिकल, तो फिजिकल हमारा सारा यहां से कवर हो गया है। अब इसके बाद ये थोड़ा सा रुक भी गया है, तो आई विल पॉज इट अगेन, 47 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, मे बी 1 घंटा और लगेगा इस वीडियो में, आई एम पॉजिंग इट एंड विल रिज्यूम। चलिए फिर से हम इसको रिज्यूम कर रहे हैं हमारे मैप को, तो अभी इसमें हम 5-6 मैप इकट्ठे करके फिर ही पोज करेंगे अब, तो लेट अस स्टार्ट। ये देखिए अब हमारा है बायोस्फीयर रिजर्व का मैप, तो इसमें देखिए पन्ना, हमें पता है पन्ना कहाँ पे है, एमपी में, ठीक है, और ये 18th बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, यूनेस्को के कुछ हैं वो आपको याद रखने हैं, जैसे नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद हमारा मानस कहाँ है, असम में, देहांग दिबांग असम में, कच्छ, देहांग दिबांग, देहांग दिबांग आई थिंक असम में है, अरुणाचल में है देहांग दिबांग, कच्छ आपका गुजरात में, कोल्ड डेजर्ट आपका यहाँ है, ठीक है, लद्दाख में, कंचनजंगा जो सिक्किम में यहाँ पे बनी है, ये मिक्स्ड बायोस्फीयर रिजर्व साइट, मिक्स्ड हेरिटेज साइट बनाई गई है, नेचुरल प्लस एंथ्रोपोलॉजिकल बोथ। फिर अगस्त्यमलाई आपका है कर्नाटका में, डिब्रू शिखाओ फिर से हमारा डिब्रू शिखाओ असम में, पंचमढ़ी ये हमारा एमपी में है, अचानक मारा अमरकंटक ये हमारा छत्तीसगढ़ में है, सीसाचलम असम में, ठीक है, ये हो गए हमारे। तो अब इधर नीचे आए, तो नीचे आपके पास नीलगिरी, ये इधर है जहां पे जंक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, और मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार ये यहाँ है, ठीक है, ये याद रखना। ग्रेट निकोबार ये इधर है निकोबार में, फिर शिमलीपाल है हमारा उड़ीसा में, सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, ये सब जानते ही हैं, ठीक है, फिर ये तो हो गए मोटे मोटे, चलिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी थे वो सारे हो गए। फिर हमारे कुछ ट्राई जंक्शन हैं, तो
ये बस ऐसे ही मैंने लिख रखे थे, तो इनको अभी देख ही लेते हैं। वखान, वखान आपका ट्रांजेक्शन पड़ता है इंडिया, ये बिल्कुल इस कॉर्नर पे, आई थिंक अफगानिस्तान और उसके साथ पीओके में पड़ता है। पैंगोंग शो जो इंडिया और चाइना के बीच में गड़बड़ चलती रहती है, तिब्बत और यहाँ पे, तो यहाँ पे पैंगोंग शो। काली है आपका नेपाल और इंडिया का, यहाँ पे ट्राइजेक्शन बनता है। डोकलाम इंडिया चाइना और ये भूटान का है। तवांग इधर है भूटान में ही। किथबू और वैलोंग ये अरुणाचल में इधर आते हैं, तवांग भी अरुणाचल पे ही आता है। देन परवा, परवा आपका मिजोरम में आता है, यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश एंड म्यांमार का ट्राइजंक्शन बनता है। तो ये हो गए हैं ट्राइजंक्शंस। फिर कुछ फेस्टिवल्स जो न्यूज में रहते हैं, जैसे लोसार, लोसार एंड तोयगा, ये आपके मोनपास के फेस्टिवल है, ये अरुणाचल में भी है। तो लोसार यहाँ पे भी होता है आपका जेएनके पे। रम्मान, रम्मान ये रामजी से रिलेटेड ही है, ये उत्तराखंड, ये अपना उत्तराखंड है, यहाँ का फेस्टिवल है रम्मान, ठीक है रम्मान। अंबुबाची, बाची, अंबुबाची, ए फॉर अंबुबाची, ए फॉर असम, ए फॉर अफंती, ए फॉर असम। तो अंबुबाची है असम का, ये याद रखना। शंघाई डियर हमें पता है कहाँ मिलता है, मणिपुर में। तो मणिपुर का क्या है, साजीबू, साजीबू, चारुबू, तो ये आपके हो गए मणिपुर के। जत्रा हमारा वेस्ट बंगाल का है, हमें पता है। वांगला मिजोरम एंड चचारपुत, ये फेस्टिवल है मिजोरम के वांगला। जत्रा इधर है, धोला जत्रा है उड़ीसा का। एंड नबा कलेबार, नबा कलेबार इज नया, नया कर दिया गया है, तो वहां पे जो आपकी ये हमारे कृष्ण राम और बलराम, बलराम और उसकी जो मूर्ति होती है उनको नया किया जाता है इस फेस्टिवल पर्टिकुलरली, तो इसीलिए इसको बोला जाता है नबा कलेबा। ये हो गया हमारा उड़ीसा का। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा है आपका महाराष्ट्र का। और उगाड़ी, उगाड़ी आपका महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र, तो ये कई जगह आता है उगाड़ी। टिपोत्सवम, ये हैदराबाद के आसपास मनाया जाता है, मतलब तेलंगाना का तेपोत्सव, ठीक है। देन समरा, सरकम जथरा, सरकम जथरा, ये आपका फिर से तेलंगाना आंध्र। ओणम, ओणम हमारा केरला का फेस्टिवल है, ओणम एंड विशु, ठीक है। बिहू अगर आता है तो आसाम का, ओणम विशु फेस्टिवल आपके केरला के बहुत फेमस फेस्टिवल्स हैं ये। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र। तो ये हो गए हमारे फेस्टिवल्स। अब हम देखते हैं आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, तो नरोरा हमारा है यूपी में, ठीक है। कुम्हारिया, कुम्हारिया हरियाणा का, ठीक है। नरोरा यूपी का, बांसवाड़ा, रथवाड़ा, रावतबाटा, सॉरी बांसवाड़ा और रावतबाटा है आपके राजस्थान के। काकरापाड़ा, तारापुर, महाराष्ट्र। फिर अपने पास गुजरात में आता है मिथी वर्दी, जो कि यूएसए की मदद से बनाया गया है या बना रहे हैं, ठीक है। देन जैतापुर, जैतापुर आपका आ गया। फिर ये जैतापुर जो है ये हम बना रहे हैं फ्रांस की मदद से, ठीक है। कैगा कर्नाटका में है आपका। जिरकोनियम हमारा यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है और इधर जिरकोनी में, याद रखना। तो ये वाला साउथ वाले रीजन में जिरकोनियम मिलता है, ये याद रखना। कुडानकुलम, कुडानकुलम आपका है चेन्नई के पास, ये है हमारा रशिया की मदद से कुडानकुलम, ठीक है। मिथीवर्दी था यूएसए, फ्रांस की मदद से है जैतापुर, तो ये भी थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं। फिर कलपक्कम, सॉरी कुडानकुलम यहाँ चेन्नई के पास नहीं है, कुडानकुलम नीचे है कन्याकुमारी के पास, जबकि चेन्नई के पास है कलपक्कम। कलपक्कम में आपका है एफबीआर यानी फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर, इसका प्रोटोटाइप बनाया गया नियर चेन्नई, 80 किलोमीटर, पौधा हरिपुर। देन जिरकोनियम का आपका काम क्या होता है इसमें, जिरकोनियम इज टू प्रिवेंट द रेडियो एक्टिविटी। तो ये है सारे के सारे हाइड्रल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट, तो ये हमने देख लिए हैं। देन आपके आते हैं ड्रामास, ड्रामास हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बाण जैसा, बाण पंथेरी हमने देखे थे, स्वांग, भावई, माच, तमाशा, तमाशा कौन कर रहा था, बाल ठाकरे। देन खंबा तो भाई, भावना, अंकिया कूट, जथरा, चैतन्य, हाँ जथरा जो है, जथरा इज रिलेटेड टू यात्रा ऑफ चैतन्य प्रभु, ठीक है। चैतन्य प्रभु करते थे, उस टाइम से चला रहा है। नकुल आपका बिहार का है ही, ये हम पहले ही देख चुके हैं, पूरा कथा भी देखा था, ये सारे के सारे हमने पहले ही देख लिए थे। अब हम देखते हैं टाइगर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स अराउंड 50+ हमारे पास टाइगर रिजर्व्स हैं, सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। तो अब देखिए राजस्थान में कौन कौन से हैं, मुकुंद्रा, रणथंबोर एंड सिरस्का,
फिर इसका अलवर के पास पड़ता है रणथंभौर एंड मुकुंदरा, तो ये आपको देखने हैं राजस्थान के स्टेट, ही याद रख लो उतना ही काफी है। फिर हमारे पास इधर से देखो जेएनके और इधर कोई नहीं है, फिर हमारे पास आते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में दो है हमारे पास, जिम कॉर्बेट एंड राजा जी। ठीक है, तो ये हो गए जिम कॉर्बेट एंड राजा जी। पीलीभीत एंड दूधवा, ये है आपके यूपी में। पीली इज येलो, येलो कलर की, भीत इज वॉल, तो येलो कलर की एक वॉल है उसमें दूध डाल दिया है, तो दूधवा एंड पीलीभीत। वाल्मीकि आपके जाके रामायण लिख रहे थे यहाँ पे बिहार में, पटना में। तो ये हो गए हमारे यहाँ के। देन हमारे पास असम के आते हैं काजीरंगा, मानस, नामेरी एंड ओरान, तो ये हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे असम के काजीरंगा, मानस, नामेरी एंड ओरान। फिर अरुणाचल के हमारे पास कौन से हैं, कामलांग, मकुई एंड नामदाफा। नामदाफा नेशनल पार्क्स भी है, टाइगर रिजर्व भी है, कुछ चीजें कॉमन रहेंगी ये ध्यान रखना। ठीक है, दंपा, दंपा टाइगर रिजर्व है, तो ये जनरली नेशनल पार्क में ही बनाया जाता है, ये है मिजोरम में दंपा। फिर आपका वेस्ट बंगाल में है बक्सा टाइगर रिजर्व एंड सुंदरबन। फिर हमारा पलमऊ, पलमऊ है उड़ीसा में। ठीक है, पलमऊ आई थिंक झारखंड में है, उड़ीसा में है हमारा सतपोषिया एंड सिमलीपाल, ये दो जने हैं पलमऊ झारखंड में। फिर हमारे यहाँ पे आपका ये जो है एमपी, एमपी में बहुत सारे हैं छह, तो इनका नाम याद रख लेना, ये टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व सॉरी नेशनल पार्क से ही रहेंगे। बांधवगढ़, सतपुरा, कान्हा, पेंच, पन्ना एंड संजय धुबरी। संजय मेरा एक दोस्त है, वो एमपी का है, तो संजय धुबरी, पेंच, पन्ना, पन्ना जहां पे हीरे मिलते हैं, कान्हा, सतपुड़ा एंड बांधवगढ़, तो ऐसे याद रख सकते हैं। नागार्जुन, सीसाचलम एंड कव्वाल, ये नागार्जुन, सीसाचलम, कव्वाल हमारे आते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं छत्तीसगढ़ में, अचानक मार, अमरकंटक, इंद्रावती, उदांती, शिदांती। ठीक है, तो उदांती, शिदांती, अचानक मार, इंद्रावती, ये आपके आगे छत्तीसगढ़ के। अब हमारे महाराष्ट्र में कौन से हैं, महाराष्ट्र में हमारे पास है मलघाट, पेच, टंडोबा, सह्याद्री, भोर एंड नजगिरा, नावगिरी, नवेगांव, नवेगांव, नजगिरा, नवेगांव, भोर, सह्याद्री, टंडोपा एंड पेंच एंड मलगांव। फिर आपके कर्नाटका के हम देखते हैं, कर्नाटका में आपके पास है बांदीपुर, नागरहोल। नाग जैसी चीजें कर्नाटका में ही मिलती हैं, एक ड्रामा भी था हमारा तो वो भी था। बांद्रा, अंसी, धांधेली, बिलिगिरी, बिलगिरी भी है, मिलगिरी भी है, तो बांदीपुर, नागरहोल, बांद्रा, अंसी, धांधेली, बिलगिरी, तो ये हमारे हो गए कर्नाटका के। केरला के हमारे पास है पेरियार, परम्बिकुलम, पेरी परम, पेरियार एंड परम्बिकुलम, ये हमारे है केरला के। अब हम आते हैं तमिलनाडु पे, तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट है अन्नामलई, मुदमलई, सत्यमंगलम एंड कलक्कड़, मुंदथुरई। तो अन्नामलई, मुदमलई, सत्यमंगलम, कलक्कड़ एंड मुंदथुरई आर फ्रॉम तमिलनाडु, तो ये हो गए हैं हमारे टाइगर रिजर्व। अगला हमारा मैप है सी पोर्ट्स का, जो हमारे 12+1 13 है, अभी 13, अभी 12 ही मान लो, 13वां क्या था वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आपने देखा हो, करा हो तो। तो अब यहाँ पे देखते हैं गुजरात से शुरू होते हैं मेजर पोर्ट्स, बस मेजर मेजर पोर्ट्स देखेंगे, तो आपका यहाँ पे मुंद्रा, कांडला, तो ये आपका हो गया। फिर मुंबई में जेएनपीटी हो गया, ठीक है, मुंबई खुद है ही, जेएनपीटी हो गया। फिर मरमगांव, गोवा में, मैंगलोर आपका कर्नाटका में, कोची केरला में, तुतिकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई में भी, तमिलनाडु में ही चेन्नई भी है, कृष्णपट्टनम भी है, तो तीन है आपके तमिलनाडु। देन विशाखापट्टनम हमारा है आंध्र प्रदेश में, पैरादीप उड़ीसा में, हल्दिया एंड कलकत्ता आर इन वेस्ट बंगाल, तो ये सारे के सारे अपने मेजर पोर्ट्स हो गए हैं जो हमने देख लिए। तो ये इतने ही ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट हो गए हमारे सारे। फिर उसके बाद हमारा आता है ये है हमारे म्यूजिक, तो म्यूजिक देखते हैं कौन कौन से फेमस म्यूजिक हैं और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। म्यूजिक है जंगम जोगी एंड बेन जोगी। जोगी देखो, हमारे हरियाणा के लोग बड़े जोगी और झोले होते हैं, तो जंगम जोगी, बेन जोगी हैं आपके हरियाणा। मांगानेर, सांगानेर, ये है राजस्थान की टर्म्स, तो मांगानेर हमारा म्यूजिक है राजस्थान का।
किराना घराना आपका आता है यूपी से, ठीक है। देन पांडवाणी, पांडव से है पांडवाणी, ये है हमारा छत्तीसगढ़ का। फिर बाउल ट्रेडिशन जो यूनेस्को में था वो आपका है वेस्ट बंगाल का, इसमें सूफी प्लस वैष्णव मिक्स है। काबूम, काबूम जो मोदी जी ने बजाया था ना काबूम, वो है मेघालय का, मेघालय का बूम बजा दिया, ठीक है। कनियनकुथु तमिलनाडु, ये हमने देखा था, स्ट्रीट आर्ट के साथ साथ स्ट्रीट म्यूजिक है कनियनकुथु। तो ये हमारे हैं कुछ फेमस म्यूजिक्स। फिर हम देखते हैं कुछ फेमस पेंटिंग्स, तो इनकी पेंटिंग और थीम रीजन थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे आपका सवाल आएगा ये पेंटिंग किसकी है, एक ऑप्शन ईस्ट इंडिया से होगा, एक वेस्ट इंडिया से, एक साउथ इंडिया से, एक नॉर्थ इंडिया से। तो आप इसमें हम देखें देन कांगड़ा, कांगड़ा हमारी है हिमाचल प्रदेश की पेंटिंग्स, कृष्णा थीम्स पे ये होती है। बाजीगर, पंजाब के लोग बड़े बाजीगर होते हैं, ये जोगी ट्राइब्स। फिर हमारे आते हैं नाथवाड़ा, नाथवाड़ा और बूंदी और बांट, ये हमारे सारे के सारे राजस्थान की हैं। जोगी ट्राइब्स बनाती हैं आपकी नाथवाड़ा पेंटिंग्स, एंड तेवा बनाती हैं आपकी बूंदी। तो बूंदी यहाँ पे था ही राजस्थान में, तो वहां के हो गए। रोगन, रंग रोगन कराते हैं, रंग रोगन कराते हैं, ये ट्राइब्स की पेंटिंग है दीवारों पे। ये है हमारी गुजरात की, रंग रोगन करा दिया भाई, ठीक है। अब आ जाओ गोवा में, गोवा में संगूद, ठीक है, चनपट्टा, ये है हमारी गोवा की संगूद एंड चनपट्टा। मलखम्ब, मलखम्ब हमारी पेंटिंग है महाराष्ट्र की, ठीक है। उसके बाद केरला की हम अगर देखें तो कोलकाली एंड मरगाम, कोलकाली और मरगाम पेंटिंग्स है केरला की। और तमिलनाडु के हमारे पास कई सिलाम्बम, कई सिलाम्बम। देन आंध्र प्रदेश में हमारे पास आती है कलमकारी, कलमकारी आपका सवाल भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में। फिर हमारे पास आती है कत्थी सानू सामू एंड कर्व सामू, ये हमारी आ जाती है आंध्रा की। मिथिला, मिथिला प्लेस बिहार का फेमस है, ये बेडरूम पेंटिंग्स होती थी, बाद में बाहर में आने लगी। अल्पना, हमारी अल्पना है वेस्ट बंगाल की। थंग का, ये है सिक्किम की, एंड थंग था, ये है हमारी मणिपुर की। थंग था मणिपुर, थंग का सिक्किम, ये एक जैसी ही है, ठीक है, याद रख लेना। कांगड़ा हमारी हिमाचल की, थंग था ये एक पर्टिकुलर आपकी हिमालयन ट्राइब से रिलेटेड है। फिर हमारा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सारे की सारी इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हम इसमें देखेंगे, बट अभी आई एम टेकिंग अ पॉज, अभी हमारा 1 घंटा 2 मिनट हो गया है। आई विल रिज्यूम इट अगेन, ओके, रिज्यूम अगेन। तो ये है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब हम देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो इम्पोर्टेंट है वो हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके उत्तराखंड में है असान एंड देन पावलगढ़, ये कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, ये न्यूज में थे, ये मैंने मार्क कर लिया। और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास, डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि आपका राजस्थान में है। गुजरात में नरारा एंड मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर हमारा एमपी में आता है मेलागढ़ टाइगर रिजर्व रत्तापानी। महाराष्ट्र में आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है राजस्थान में, कंफ्यूज मत करना, बट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र में, बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये बांदीपुर कर्नाटका। फिर हमारा यहाँ पे केरला में क्या आता है, शेंदुरनी एंड वेनाड, शेंदुरनी वेनाड मोयार वैली, ये है केरला की नीलगिरी के आसपास मोयार वैली। तमिलनाडु में हमारे पास फिर आता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। देन फिर आंध्र प्रदेश में सीसाचलम, कनकन कनकन शिवरा श्वारा, कनकन शिवारा, ओके, कनकन शिवारा। फिर उदांती शिदांती, ये हम देख चुके हैं छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है, गुरुजी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। वाल्मीकि यहाँ पे थी वो उसमें अलग है। और सोनाबेर, ये उड़ीसा की है, वेस्ट बंगाल की गोरुमोरा चिंतामणिकर एंड रायगंज, गोरुमोरा चिंतामणिकर रायगंज, ये है हमारी वेस्ट बंगाल की।
चेचोपरली लेक हमारी है सिक्किम में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ लोकेशंस हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जो इंपॉर्टेंट है वो हमने कर ली। अब हम आते हैं माउंटेन्स पे। देखिए माउंटेन्स वैसे तो हमने फिजिकल वाले मैप में मैक्सिमम कवर कर लिए हैं, फिर भी कुछ देख लेते हैं जो जो यहाँ पे मिलेंगे एक्स्ट्रा। देवसाई रेंजेस ये हम देख चुके हैं, साकेत हिल्स, शिमला हिल्स, ठीक है, लालसोत हमने देखा था, बवाना हिल्स हमने देखा था राजस्थान में, राजपिपला, गवलगढ़, महादेव, मेरा बेटा गवाला, महादेव, बैतूल, ये हमने देखा था, मैकाल हमने देखा था, ठीक है, ये सारे हमने देख लिए थे। फिर नल्ला पीजेस हमने देखे थे, नल्ला मल्ला, पलकोंडा, जावड़ी, शेवरोई और नीलगिरी है ही, ACP हमारी ट्रिक थी, अन्नामलाई, कार्डेमम, पलनी और वर्षुनाथ, ये हमारे थे यहाँ पर, ठीक है, ये सारे के सारे हम देख चुके हैं। महादेव रेंजेस यहाँ पे हैं, सत्य बोलो हरिश्चंद्र, नहीं तो महादेव नाराज हो जाएंगे, सत्यमाला, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र एंड महादेव, तो ये आपकी हो गई सारी की सारी। तो ये हमारे सत्य, बालाघाट, हरिश्चंद्र एंड महादेव, ये सवाल आ चुका है। ये हो गए हैं हमारे माउंटेन। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स, माउंटेन पीक्स, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे बड़ी सबसे ऊंची हमारे इंडिया में है वो है K2, जो कि 8611 में है, माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे बड़ी यही है, K2 काराकोरम रेंजेस में है, JNK में। तो नंगा पर्वत हमारा JNK में है, ये भी हमारा JNK में है, फिर देवटिप और कैलाश, कैलाश और देवटिप ये भी JNK में है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखो कंचनजंगा, कंचनजंगा हमारी यहाँ है सिक्किम में, हिमालयाज में, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लू माउंटेन आपका मिजोरम में है, ये आपको याद रखना है, ब्लू माउंटेन, तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अमरकंटक, अमरकंटक ध्यान रखना है, 1057 मीटर की है हमारी, ठीक है। धूपगढ़ ये MP में है, अमरकंटक, धूपगढ़, MP, पावा पावागढ़ और गुरुशिखर, गुरुशिखर राजस्थान में, पावागढ़ अपना गुजरात में। तो ये कुछ पीक्स हो गई। फिर हमारे ईस्टर्न कोस्ट की सबसे ऊंची पीक महेंद्रगिरी है, ये उड़ीसा वाले में हो गई। एंड ये तो चलो छोड़ो, अन्नामुदी एंड डोडा बेटा, अन्नामुदी फर्स्ट नंबर पे, डोडा बेटा सेकंड नंबर पे, ये आपकी साउथ इंडिया की पीक्स हो गई। नंदा देवी हमारी है ही, विनोबा ये उत्तराखंड में है, नंदा देवी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हो गई है। कुछ पासिस है, पासिस तीन तो हमने देखे ही थे, ठीक है, थल घाट, भोर घाट, ठीक है, थल घाट है आपका नासिक की तरफ, भोर होके मुंबई जा रहे थे तो भोर घाट, पालघाट आपका बीच में है, ये पालघाट रेंजेस में, सेनकोता गैप ये भी आपका यहाँ आता है, सेनकोता गैप तमिलनाडु और केरला के बीच में, तो ये है, ठीक है। हल्दी घाटी हमें पता है राजस्थान में है, जहाँ पे महाराणा प्रताप थे, उन्होंने लड़ाई करी थी। जोजिला यहाँ पे वेस्टर्न JNK में पड़ेगा आपका, चांगला ईस्ट साइड में पड़ेगा, शिपकिला हमारा हिमाचल में है, रोहतांग हिमाचल में है, फिर लेपू लेक, नीति और लेपू ये हमारे उत्तराखंड में है, देन जीप लेके नथु भूटान की तरफ जा रहा था सिक्किम से, तो ये इधर हो गया, जिलिपला, नथुला, बुमला भूटान में, यहाँ पे हाँ अरुणाचल के पास, फिर जीपू और ये, चलो ठीक है इतना बहुत है, ये इतने पासेस भी याद रह जाए वो भी बहुत ही ज्यादा है। फिर हम देखते हैं कुछ प्लेटूज, कुछ इंपोर्टेंट प्लेटूज, बुंदेलखंड, बंगेलखंड, हमने हमें पता है बुंदेलखंड, मालवा प्लेटो याद रखना ये यहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है वैतरणा प्लेटू और उल्हास प्लेटू, फिर हमारे पास नाम से ही महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, धारवाड़ याद रखना कर्नाटका में है, मैसूर प्लेटू मैसूर में ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है, ये हम ध्यान रख सकते हैं। देन गोलकंडा प्लेटू याद रखना ये यहाँ है कर्नाटका और इसमें, फिर तेलंगाना प्लेटू तेलंगाना में, दंडकारण्य हमने देखा था इसके हिल्स थे, सतमाला प्लेटू सतमाला के पास, यवतमाल आपका MP में है, बैतूल भी हमारा MP में हिल्स के पास पास ही है ये सारे के सारे, ठीक है। फिर बुंदेलखंड बंगेलखंड प्लेटू भी आपका यूपी में हो गया, मैखाल प्लेटू ये हिल्स के नाम के जैसे ही है, शिलोंग में भी आपका प्लेटू है मेघालय में, शिलोंग प्लेटू, तो ये आपके प्लेटूज हो जाते हैं, ऊपर की तरफ प्लेटूज नहीं है, ऊपर की तरफ आपके माउंटेन है। अब हम आते हैं प्लेन्स पे, इंपॉर्टेंट प्लेन कौन कौन से है, दमन कोब प्लेन ये आपके पंजाब हिमाचल और JNK में है, मांझा प्लेन मालवा प्लेन ये हमने देखा था,
हमारे राजस्थान में, फिर सरस्वती प्लेन हरियाणा में, राजगढ़ प्लेन राजस्थान में, सुकरी प्लेन भी राजस्थान में, पलमाऊ प्लेन ये भी राजस्थान में। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है, देखिए गुजरात में इतना कोई इम्पोर्टेंट प्लेन नहीं है, ठीक है छोड़ सकते हैं। फिर महाराष्ट्र में हमारे पास है खान्देश प्लेन, नवसारी प्लेन, ये याद रख लेना, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल में देखो जलपाईगुड़ी प्लेन, और इधर आपके अरुणाचल और असम में नौशांग प्लेन, शिव सागर प्लेन, चोचर प्लेन्स याद रख लेना, ये आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है चोचर प्लेन्स। फिर ईस्ट कोस्ट में हम देखें सिंगूम प्लेन, ये सिंगूम प्लेटू के पास है, बांद्रा प्लेन, चिल्का प्लेन, चिल्का लेक में उड़ीसा, विजयनगरम प्लेन ये आपके फिर से आंध्रा में, एंड उसके बाद कोल्लेरू लेक ये यहाँ पे बीच में, चिल्का, कोल्लेरू एंड पुलिकट लेक, पुलिकट लेक बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। अब हमारे केरला प्लेन्स है, केरला में बस ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट जो भी प्लेन्स है वो। वाटरफॉल्स जो तो इंपॉर्टेंट है, ये देखो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वाटरफॉल से आता नहीं है इतना ज्यादा। जोग फॉल्स हैं वो सबसे ऊंचे बोले जाते हैं, बट उससे भी ऊंचे अपने बर्चपानी बखरा प्लेन्स हैं, ठीक है उड़ीसा में है बर्चपानी मयूरभंज, ये यहाँ पे है आपका बर्चपानी, ठीक है। और कर्नाटका शिमोगा में बरखाना प्लेन्स एंड जोग फॉल, ये भी शिमोगा कर्नाटका में ही है, प्लीज रिमेम्बर दीज, ओके दैट इज इट। वाटरफॉल्स में और कोई हम ज्यादा एनर्जी लगाए हैं, मुझे नहीं लगता कि उसकी इतनी जरूरत है। रिवर्स आप देख चुके होंगे, लेक्स भी सारे के कुछ कुछ इंपोर्टेंट हम देख लेते हैं। साल्ट लेक आपको याद रखना है, जेएन के पैंगोंग शो, जेएन के सोमरीरी, जेएन के पैंगोंग शो सोमरीरी, ये हमें याद रखनी है। डल लेक हमारी जेएन के में है, ये याद रखना है। देन आपके पंजाब में चंद्रा लेक है, ये याद रखना, गोविंद सागर याद रखना, ठीक है। चंद्रा लेक, चंद्रताल आपके हिमाचल में है, लेक दिद्वाना, सांबर लेक ये हमारी राजस्थान में है, ये याद रख लेना। और उसके अलावा लोकताक लेक आपकी मणिपुर में है, प्लीज रिमेम्बर इट। सोमोरीरी लद्दाख में है, शोंगो सिक्किम में है, ये नाम से कंफ्यूज नहीं होना, शोंगो सिक्किम में है, ये यहाँ पे है, ठीक है। ये नीचे अगर हम देखें तो ये तीन लेक हम देख चुके हैं, चिल्का उड़ीसा, कोलेरू आंध्रा एंड पुलिकट तमिलनाडु। वेम्बनाद लेक केरला की बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, वेम्बनाद, कोडई लेक, कोलिडोम लेक, ठीक है ये हमें ध्यान रखने हैं, ये केरला तमिलनाडु के। तो ये हो गए आपके लेक्स। ग्लेशियर हमने देख लिए थे इधर के सारे, और ये भी देख लिए थे कि बाल तोड़ो बाल, बटूरा में बाल गिर गया था बाई का, भटूरा ग्लेशियर, बाइफू, बाल तोड़ो, ठीक है। देन आपका सियाचिन था, एंड इधर अगर हम देखें तो गंगोत्री, पिंडारी, मिलम, ये सारे के सारे हमारे उत्तराखंड में है। ये दो और याद रखने हैं ना, जेमू ग्लेशियर है सिक्किम में, रातोंग ग्लेशियर है सिक्किम में, ये सारे के सारे अपने फेमस ग्लेशियर्स हो गए ऊपर की तरफ, ठीक है। रातोंग ग्लेशियर सिक्किम में, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गए हमारे ग्लेशियर्स। आई थिंक ये हमारा मैप का आखिरी मैप था, 32 पेजेस, ऑल द मैप्स हैव बीन फिनिश्ड, सो आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमने ऑलमोस्ट रिवाइज कर ली हैं, सीक्वेंस के हिसाब से भी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ट्रिक्स के साथ हमने इनको करने की कोशिश करी है। एंड आई होप जो भी इसको याद करे भाई फ्री में एक दो सवाल अटक जाए, दैट इज इट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे अगले वीडियो में, मे बी टुमारो, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।